नमस्कार, मेरा नाम अश्विन कुशवाहा और आप देख रहे हैं स्मार्ट ब्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम दिखाने वाला हूँ कत्ता प्रदेश में हाउस ड्राइवर या हाउस वर्कर का खान पान और रूम कैसा होता है। तो आज देखिए, राम कृपाल कुशवाहा भाई हैं कुशीनगर के यूपी इंडिया। आज ये अंडा करी बना रहे हैं और ये टेम्पोरी किचन है। कुछ लोग थोड़ा बोलेंगे कि साफ सफाई नहीं है, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा ये टेम्पोरी किचन है। हम लोग का परमानेंट जो किचन है और शेफ के घर के अंदर है, उधर से खाना मिलता है। यहाँ कभी कोई पार्टी होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, तो कोई ज़्यादा सफाई से परहेज नहीं करता है, लोग ढील देता है, क्योंकि परमानेंट जब बनाना पड़ता है खाना तो लोग सफाई करता है। आज इस वीडियो में हम इन लोग का रूम दिखाऊंगा और खान पान दिखाऊंगा। पठानी खपूस आज लाने वाला हूँ मार्केट से, देख लीजिएगा कैसा होता है पठानी खपूस। तो चलिए, मैं कैमरा से ओपन करता हूँ, ओपन करके और फिर बाकी के वीडियो को शूट करता हूँ। ये देखिए, अंडा जो है हम लोग उबाल लिए हैं, उबालने के बाद यहाँ देखिए अब फ्राई भी हो रहा है। फ्राई होने के बाद भी इसमें रेसिपी बनाएंगे और बाहर से खपूस लेके आएंगे, पठानी खपूस। जरूर देखिएगा कैसा होता है पठानी खपूस। और यहाँ देखिए, राम भाई हैं, एक लहसुन और प्याज और मिर्चा उसका कटिंग कर रहे हैं। और इस तरह से किचन मिल जाता है, किचन में आपको यहाँ एसी वगैरह लगा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे सिंक है, तो इस तरह से सब किचन में व्यवस्था रहता है। इधर देखिए डीप फ्रीजर है, यहाँ मटन चिकन सब रखने के लिए डीप फ्रीजर मिल जाएगा। एक फ्रिज भी था जो कि अब दूसरे साइड पे चला गया है, क्योंकि यहाँ वर्कर मैं पहले ही बताया कि टेम्पोरी था, तो टेम्पोरी में यहाँ पे फ्रिज था तो दूसरे साइड पे चला गया है। आज चलिए आप देखिए अंडा करी और ड्राइवर लोग का रूम, रहन सहन, खान पान आज दिखाने वाला है। चलिए, अब यहाँ प्याज डाल रहे हैं रेसिपी के लिए, करी के लिए। करी बनाने के बाद फिर अंडा को इसमें डाला जाएगा। ये है वीरेंद्र भाई, नेपाल से हैं, अभी हाल फिलहाल आए हैं। कितना महीना हो गया? 3 महीना। और ये है रजनीश भाई, इलेक्ट्रीशियन, इनको भी कितना महीना हो गया? 5 महीना। एक गुरबदन भैया हैं यूपी से, 1 साल 2 साल होने वाला है। 2 साल 3 महीने। अच्छा, ये राम भैया हैं, इनको भी 2 साल 6 महीना 6 महीना होने वाला है। अच्छा, और ये हैं राम कृपाल कुशवाहा भैया, ड्राइवर साहब, लक्ष्मीगंज, उत्तर प्रदेश। आइए चलते हैं, वर्कर का और ड्राइवर, हाउस ड्राइवर का रूम दिखाता हूँ। तो चलिए पहले रजनीश भाई का रूम दिखाता हूँ, जो इलेक्ट्रीशियन है, हाउस इलेक्ट्रीशियन। देख लीजिए इधर गल्फ में किस तरह का रूम मिलता है रहने के लिए। ये उनका बेड है, ये देख लीजिए शानदार। और ये सब बेड खाली पड़ा है, कोई नहीं है, सब छुट्टी गया है, अकेले हैं। और ये सब देख लीजिए, नीचे ब्लैंकेट आपको कारपेट मिल जाएगा, अभी छाए हुए अक्सर इस तरह से, ताकि कोई ठंडा नहीं लगेगा पैर में किसी तरह का। और चलिए वीरेंद्र भाई का भी, ये भी हाउस वर्कर हैं, ये तो इलेक्ट्रीशियन है, इनका ये रूम मिला। चलिए हाउस वर्कर, अपना रूम दिखाइए जरा हमारे ऑडियंस को, कतर में किस तरह के वर्कर का रूम है। सब्जी उब्जी लगावे में आइए, तो इधर बाथरूम है, बाथरूम भी है और यहाँ एक रूम भी है। चलिए ओपन कीजिए आपका दरवाज़ा। दोहा कतर में अगर काम करने के लिए आना चाहते हैं तो देख लीजिए किस तरह का फैसिलिटी है हाउस वर्कर के लिए। यहाँ पर देख लीजिए, और ये कारपेट है, नीचे भी छाया हुआ, और यहाँ पर भी देखिए बेड है, ऊपर में कोई नहीं है, एम्प्टी है। तो यहाँ पर एक लोग हैं और यहाँ पे भी एक हैं जो अभी उधर अभी खाना बना रहे, कुक होंगे। और ये है शहदुल भाई। अच्छा, चलिए शहदुल अभी नहीं आ रहा है बांग्लादेश के, लुंगी पहना है, तो चलिए मुश्किल नहीं, उसका ये बेड है। तो इस तरह से हाउस वर्कर का, ऊपर यहाँ पर देख लीजिए एसी लगा है, एसी तो आम बात है, कंपलसरी है हर रूम में। इस तरह से देखिए सब सेलिंग और ये लाइट, ट्यूबलाइट, तो काफ़ी अच्छा। इधर कतर देश में स्टैंडर्ड रूम मिल जाता है रहने के लिए हाउस वर्कर का। हाँ, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, कुछ लोग अगर इधर रहे होंगे और उनका फैसिलिटी लो होगा तो बोलेंगे कि ऐसा नहीं होता है, तो हम सिर्फ एवरेज बता रहा हूँ। इसे किसी को अच्छा और मिल जाता है और किसी को लो भी मिल जाता है, तो एक एक का पूरा देश का मैं रूम तो नहीं दिखा सकता, एक एवरेज में बता रहा हूँ इस तरह का होता है। चलिए ड्राइवर साहब का भी मैं रूम दिखाता हूँ, तो आइए चलते हैं ड्राइवर साहब के रूम। ये तो वर्कर का था और एक कुक थे, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का दिखा दिया, और ये हाउस वर्कर का, जो वीरेंद्र भाई है हाउस वर्कर गार्डनर, और इसमें कुक रहते हैं। अब चलिए ड्राइवर साहब राम कृपाल कुशवाहा भाई का, इधर बाथरूम भी है,
बाथरूम भी अच्छा आपको मिल जाएगा, काफ़ी फैल जगह वाला होता है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ उधर डब्लू से थोड़ा टाइल्स वगैरह निकाल गया है, तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अब आइए उनका रूम दिखाता हूँ, और देखिए यहाँ साग पात भी लगा दिए है लोग इस तरह से। यहाँ पे देखिए कोई का पत्ता है, और क्या क्या ये जो तरबूज वगैरह होता है ना, खा करके बीज डाल देता है लोग, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाता है। यहाँ यहाँ देखिए प्याज वगैरह भी लगा दिया है आगे में, और कोई का पत्ता है, काफ़ी शानदार साग वगैरह खाते हैं लोग। यहाँ टमाटो है, प्याज वगैरह लगा दिए हैं। आइए अब यहाँ ड्राइवर साहब का रूम दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसमें राम कृपाल कुशवाहा भाई रहते हैं। यहाँ इतना बड़ा रूम अकेला है ये, यहाँ पे इस तरह से बेड, नीचे भी यहाँ कारपेट है इस तरह से। तो काफ़ी दोहा कतर में वर्कर लोग का लाइफ स्टाइल अच्छा मिल जाता है, और किसी किसी का बहुत ऐसा होता है कभी कभी लो भी मिल जाता है, तो मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। चलिए अब खान पान का मैं वीडियो आगे का दिखाऊंगा। अभी अंडा कड़ी बन रहा है, और जो पठानी खपूस लाने वाला हूँ, काफ़ी शानदार, नहीं देखे होंगे किस तरह का पठानी खपूस, वो मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए यहाँ मैं दिखा रहा हूँ एक यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए। आ जाइए रजनीश भाई, रजनीश भाई जरा करके दिखाइए, देखिए एक्सरसाइज कैसे किया जाता है। एक यहाँ काम लोग करते हैं तो एक्सरसाइज करने का साधन भी है, काफ़ी लोग तंदुरुस्त रहते हैं इस तरह से। देखिए एक्सरसाइज का ये तरीका शानदार है, यहाँ पे इस तरह से लोग अपना रखते भी हैं एक्सरसाइज करने के लिए, जिम करने के लिए, इससे सेहत जो है काफ़ी अच्छा होता है। और चलिए अब किचन में चलता हूँ। हाँ क्या है, खा के ज़्यादा निकल गया है, खाते हैं इधर, खाने का ज़्यादा मिलता है, थोड़ा साइड होइए। और देखिए हाँ, अरे राम कृपाल कुशवाहा भाई अंडा को फ्राई कर दिए हैं, और इधर टमाटो प्याज वगैरह का इधर ये सब फ्राई हो रहा है इधर, फिर उसमें डाला जाएगा अंडा को। चलिए डीप फ्रीजर में देखता हूँ, ऐसे तो इधर ज़्यादा कोई खाता नहीं है, फिर भी देखिए मच्छी वगैरह रखा गया है यहाँ पे, और चिकन वगैरह है, एक टेम्पोरी इधर है, लोग शौक से रखते हैं कभी कभी बनाने के लिए, नहीं तो इन लोग का जो किचन है घर के अंदर है, शेफ के घर के अंदर है, उधर से खाना मिलता है। तो यहाँ पे देखिए अब ये सारा मसाला वगैरह डाल दिया गया इसमें ग्रेवी, और इसको लगभग 5 मिनट तक पकाया जाएगा, जब ये खुदक जाएगा खदक जाएगा तो इसमें फिर अंडा और जो फ्राई किया है वो डाला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे अब अंडा डाल रहे हैं इस तरह से, और इसको 5-10 मिनट अब इसको खोलाया जाएगा, इसके बाद ये अंडा करी तैयार हो गया। ये सारा कुछ रेडी हो चुका है, अब सारे दोस्त लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ये देखिए पठानी खपूस कैसा होता है, एक रियाल का ये पेपर ऊपर से रहता है, एक रियाल का ये खपूस होता है, काफी शानदार होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। चलिए निकालिए अंडा कड़ी को निकालिए। तो यहाँ देखिए सबका अलग अलग निकल रहा है, दो दो पीस पड़ रहा है, हम लोग दो पीस के हिसाब से, लेकिन एक और आ गए हैं दोस्त, तो चलिए एडजस्ट करना है इसी में। देखिए पठानी खपूस हम लोग बोलते हैं इसको, बहुत ही लाजवाब स्वादिष्ट, एक रियाल का यहाँ मिलता है कतर में, ये है। तो ये कतर देश में वर्कर लोग का हाउस वर्कर, हाउस ड्राइवर या हाउस कुक हैं या गार्डनर जो भी है, सब हम लोग हाउस में काम करने वाले हैं। इस तरह से खान पान, और यहाँ देख रहे हैं रूम का, इस तरह से आपका रूम रहन सहन मिल जाएगा। अब इसी से कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन एक आंकड़ा जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोहा कतर से रिलेटेड हर तरह का मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, ब्लॉग वीडियो बनाते रहता हूँ, और यहाँ के वर्कर का, यहाँ के मार्केट, यहाँ के शॉप, यहाँ के मॉल, यहाँ के रोड, यहाँ के पार्क, सब कुछ यहाँ अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहता हूँ। तो काफ़ी शानदार, काफ़ी खुशबूदार, जब बन रहा था तो रोड के पार्क खुशबू जा रहा था। तो चलिए मेरा भी खाना परोसा गया है, सबका है, और मैं भी बैठ जाता हूँ। तो देखिए पठानी खपूस कैसा है, काफ़ी शानदार लाजवाब। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें सुझाव दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।